दी राम राम, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आज फिर जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ मैं आगे बताऊँगी आपको। आज कहीं फंक्शन है बेबी का, नामकरण, वो बोल सकते हैं आप, हमारे ज़्यादा नहीं होते, कहीं कई जगह तो मुंडन संस्कार, पता नहीं क्या क्या संस्कार होते हैं, हमारे भी होते हैं, पर उसको इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते जो मुंडन वाला संस्कार होता है। तो ये है नामकरण संस्कार, मतलब आज जो 12-13 दिन का, 14 या 15 इस तरह का जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद एक हमारे रिवाज है, तो उस दिन क्या बोलते हैं, पूजा करवाते हैं, पंडित जी आते हैं, बाकी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो हमारे भी ऐसा ही है कहीं रिश्तेदारी में, तो फिर हम भी जा रहे हैं मेरे साथ में। ये देखो, ये है, हाय टिक्कू कितनी सुंदर लग रही है, हाय। लड़कियाँ थोड़ा सा ना, मतलब शाय, फील कैमरा शाय होती, मतलब ऐसे तो इनको बोलो सेल्फी खींचने को, इंस्टाग्राम पे रील बनाने को, फेसबुक पे बड़े आराम से बना लेती हैं, यहाँ पे इनको लगता है पता नहीं ये यहाँ पे क्या है, सबकी बात होती है ऐसी, अपने अपने प्लेटफॉर्म की आदत होती है। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, तो इनके मम्मी पापा भी है, तो वो कहीं थोड़ा सा सामान लेने गए हैं, तो दिखा देती हूँ। आज वही ना, मतलब इंद्र देवता शायद भूल गए थे कि 1.5 महीना हो चुका है सावन बीते हुए, और सावन अब बरस रहा था, 4 दिन ऐसे हो गए कि मतलब अति हो गई, पशु अंदर, मतलब बहुत बहुत तकलीफ हो गई थी, मतलब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में प्रचार भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, छोटी सी मार्केट है पिपलू घाट, और हम जा रहे हैं भराड़ी घाट तक, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, ये कल भी मैं यहाँ पे आई थी, आज 2-3 दिनों का तो मेरा कंटिन्यू टूर बन रहा है। तो ये देखो, और यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है, यहाँ ठीक तीन होना गया, तीन स्वाटर वगैरह जो अगर देखोगे ना, चले इन जाना पड़ता है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अभी इसकी मम्मी और परे ले रहे हैं कुछ, तो मैंने लेनी यहाँ पे एक स्वाटर, यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ, आप लोगों को पता तो है ही, तो मैंने एक स्वेटर ले, आज ठंड जैसी है कुछ, और कहीं आगे बाद में लगी हमारे को ठंड तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक मतलब वो ले लेते हैं कोटी जो भी है, आपको खिलानी भाजी। बहुत अच्छे कपड़े होते हैं इनकी शॉप में, मतलब ओरिजिनल चीज मिलेगी आपको, बाकी अच्छे तो हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने ना सर्दियों का सामान अभी पैक करके रखा हुआ बस अब, हाँ जी बस अब, अच्छा नया सामान लाया तू सर काल कुछ है ना। हाँ इनकी ना अच्छी काफी वो होती है यहाँ पे, देखो अगर आप चीज अच्छी लाओगे ना तो फिर ग्राहक भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम में लोग पैसों का नहीं करते इतना, जितना क्वालिटी के ऊपर जाते हैं कि हमें कपड़े की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्यों भाई है ना, अच्छी चीज वो चीज मिलनी चाहिए इनको। पूछे अच्छा ये देखो, ये कल ही भैया सामान लेके आया, सर्दियों का ही लेके आया है ना भैया, ये ना ये सूट सूट आए हो देखो, मोटे चाहिए करे पतले, देखो भाई आओ करो तुम पकड़ने हेल्प लो, तो देखो राम मुझे हाँ इतनी मिल जाने को, ये सूट आए परे नीले नीले, तो मोटी है वे भाई, तो मोटी एक पत बिल्कुल बरीक के जी नहीं होंगी, देखे देख रहे पकड़े ये बस ये भैया, ये और नहीं है देखो कोशिश करो, जे नहीं तो मैं ना बेचा कर लूंगी सिलेक्ट पर, पहले देख लो जी मिल जाओगे, तो ब्लू जो नहीं मिल जानी, कलर और मिल जाए देख लो अगर पतले जी, तू पकड़ देखो तेरे ना फिर टोलने फ्रिजी होना, ये देखो कल पैकिंग सारे।
से पकनी है पूरी दसनी। तो ये देखिए, ये मैंने कोटी ली है, कैसी लगी आपको बताना जरूर। रंग वगैरह स्टफ वगैरह बहुत अच्छा है इसका, और अच्छी है ना चीज यहाँ पे अच्छी मिलती है, वो उस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ कि चीज बहुत अच्छी मिलेगी आपको। कोई भी कुछ भी लेंगे आप, माँ जालपाट क्लॉथ हाउस पिपलू घाट। थैंक यू इनके भी एक ग्राहक हाँ से मेरी वीडियो बना रही है तेरी। तो ये देखिए, इसने भी ये कोटी यही पे ली है, ये बहुत सुंदर है। या तो काट मेरी वीडियो बना ले, बीच में आ रही है चले। तो ये देखो यहाँ पे ये मैंने ली है कोटी, और कैसी लगी आप लोग जरूर बताना मुझे। और मुझे ना सबसे अच्छा अपना सूट लग रहा था खुद को लगना चाहिए ना। तो मैं ये बोल रही थी दीक्षु को, एक दीक्षु है मेरे साथ, एक भानु है, इसकी लड़की है मीरा की। तो मैं इसको बोल रही थी कि मैंने कहा तू ना एक कर अच्छे से वीडियो नहीं बनाती, मैंने कहा तू नीचे से फोए के वो भी ले ले, फोटो भी साथ में खींच जाता ना इसमें, तो इसमें जेब भी है और लेनी। तो इसका कलर मेरे को ग्रे में बहुत प्यारा लगा, वैसे मैंने सफ़ेद लेनी थी पर सफ़ेद नहीं, सफ़ेद में बहुत जल्दी मैल हो जाता है। लुक तो होती है अच्छी, वैसे दिखने की तो अच्छी लगती है पर मैल, भाई मैल की पूछो मत, मैल बहुत जल्दी होता है। तो इस करके जो है मैंने यही ली, और अभी हम लोग जाएंगे और फिर मैं आपको रास्ता गांव वगैरह दिखाती हुई चलूँगी। तो आप लोग कमेंट करना, एक तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते, आपने सुबह माता रानी का वीडियो भी पूरा देखा, स्किप किया, आप बताओ क्या बोलेगी माता रानी। मैंने इतने भजन भेंटें गाई थी और उसमें ना एवरेज बिल्कुल कम आई, तो पता लग जाता है कि पूरा देखते हो या नहीं देखते हो। तो यहाँ पे हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत सारा सामान लेके जाएंगे अगर हमारे को डिस्काउंट देंगे। हाँ जी भैया, हमारे को डिस्काउंट देंगे कुछ तो डिस्काउंट मिलेंगे, है ना। बिल्कुल चीज अच्छी है, चीज मेरे को अच्छी लगी। पैसों को थोड़ा सा ही होता है कि चलो चीज अच्छी है तो थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ही लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मिल जाता है डिस्काउंट, आप लोगों को भी मिल जाएगा। आपने जरूर आना, आसपास के लोग मुझे पीछे भी पूछ रहे थे आप कहाँ गए थे, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि ये पिपलू घाट में हमारे लोकल लिए है और यहीं से मैं हूँ, आसपास से हूँ थोड़ा सराउंड एरिया में। तो चलो अभी ये भी लेंगे कुछ, फिर मिलूंगी आपको जाते जाते पार। चाबी रह गई अंदर ही, टाल फूल खा ले उन्हें। है नहीं यहाँ पे नहीं ना अजय बनती था ना की राखी में। तो चलिए अभी काफी सारे लोग मुझे कमेंट करना कि हम कहाँ पहुंचे थे, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। और हम पैदल रास्ते से जा रहे हैं, इतना प्यारा रास्ता है ना, बहुत बढ़िया रास्ता है जाने को। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कहाँ जैसे पहुँची होंगी और कहाँ मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, और अभी घर आके एडिटिंग कर रही हूँ। और ये कुत्ता भाई, इस कुत्ते ने बहुत ईमानदारी निभाई, ये कुत्ता हमारे साथ में चला था, काफ़ी चले हम पैदल भी, तो साथ में चला था कहाँ से कहाँ तक और जहाँ पे हम जा रहे थे, और आया भी ये नीचे सड़क तक छोड़ने आया हमें। तो अभी हम लोग गाँव में पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो ये भराड़ी घाट साइड ही है ये गाँव भी, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये देखो हर जगह मतलब अलग अलग तरह का कल्चर गांव होता है ना, मतलब वैसे तो सेम होता है मिलता जुलता घर वगैरह, लेकिन फिर भी काफी फर्क होता है मतलब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों में, अलग अलग जगहों पे जाना। और फिर आ गए थे हम गाय दूने के टाइम को ना, हम आ गए थे जल्दी। तो ये देखिए इस कुत्ते को देखिए ना, कोई जान और मेरी गाड़ी तक आया आते हुए छोड़ने भी, फिर इसको पता लगा कि हम कहाँ गए। कहते हैं ना ये प्यार प्रेम की भाषा जानवर भी समझते हैं, बाकी इंसान पता नहीं क्यों नहीं समझता। तो ये देखिए यहाँ पे ना बड़ी अच्छी जगह है, बहुत सारे कद्दू की बेले अदरक लगा रखा था लोगों ने, बहुत प्यारा सा गाँव है। और तो मुझे मतलब निमंत्रण था यहाँ से। तो ये देखो घर देखते रहना आप, ठीक है।
काम क्या है।